नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आपको जिसे नया वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए आज चलते हैं टेंस की तरफ। आज हमारे सर जो है टेंस के बारे में जो है बहुत अच्छा चीज़ बताने वाले हैं, आप लोग जो है ध्यान से देखिए। देखिए टेंस के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि टेंस क्या होता है और टेंस जो है किस शब्द से मिलकर बना है। देखिए यहाँ लिखे हैं टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस, किससे मिला है? टेम्पस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? समय होता है। और टेंस क्या होता है ये देख लीजिए, इससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है, इससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ हेडिंग पड़ी है डिस्टिंक्शन बिटवीन टाइम एंड टेंस, यानी कह रहा है टाइम और टेंस में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ लिखे हैं टाइम से समय तथा टेंस से काल का बोध होता है। इस प्रकार टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से होता है, यानी टाइम का संबंध आपका जो है क्रिया के अर्थ से होता है और टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। यही डिफरेंस है, यही डिस्टिंक्शन है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं आइए इसको देखिए। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट, तीसरा नाम है प्रोग्रेसिव। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इनडिफिनिट टेंस या पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। फिर यहाँ दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो इसके भाग हो गए, चार चार भाग हो गए। अब यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे ये देख लीजिए। इससे वर्तमान में किसी कार्य के होने का बोध होता है। इस टेंस के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, यानी क्रिया के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आएगा। इस टेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डूडज होती है। इतना तो आप लोग जान गए। फिर यहाँ लिखे हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्। अब इसमें देखिए रूल हम लिखे हैं कि एक वचनकर्ता का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट, ऑल, लेम के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचनकर्ता रहेगा तो उसके क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम इसका देखिए, बहुवचनकर्ता यानी प्यूलर सब्जेक्ट कौन कौन है? आई, बी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जब सब्जेक्ट मेरा प्यूलर होगा तो उसके वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ एक नोट लिखे हैं, यदि हिंदी वाक्यों में अपने शब्द दिया हो तो इनकी अंग्रेजी निम्न है। जैसे यहाँ लिखे हैं आई मीन्स मैंने के साथ अगर अपना दिया हो, अपने दिया हो, अपनी लगा हो तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? माई होगी। इसी प्रकार यहाँ वी लिखे हैं, बी मीन्स हम लोग, हम के साथ अगर अपना अपने
अपनी लगा हो तो उसकी भी अंग्रेजी क्या होगी, आवर होगी। इसी प्रकार यू दिए हैं, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, अगर इसके साथ अपना, अपने, अपनी लगा हो तो उसकी भी अंग्रेजी क्या होगी, योर होगी। इसी प्रकार यहाँ ही दिए हैं, अगर ही के साथ अपना, अपनी दिया हो तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हिच। और इसी प्रकार दिए हैं सी, स्त्रीलिंग के लिए लगता है, के साथ अपना, अपनी, अपने लगा हो तो उसकी अंग्रेजी हर होती है। इसी प्रकार दे लिखे हैं, दे मीन्स वे या उन्होंने, के साथ अगर अपना, अपनी दिया है तो उसकी भी अंग्रेजी क्या होगी, देयर। ये रहा इसका नियम। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, हल करना है। जैसे यहाँ लिखे हैं तुम क्रिकेट खेलते हो, अब इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये साधारण वाक्य है, कैसे है देखिए, क्रिया क्या है, खेलते हो, इसमें देखिए ते हो दिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना क्या, साधारण वाक्य बना, तो इसमें कर्ता कौन है, कर्ता आपका तुम हो गया। अब कर्ता को ज्ञात करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द कौन लगा देंगे, तो उस सेंटेंस में कर्ता जो है ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ लिख दें कौन क्रिकेट खेलता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि तुम, तो तुम क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखे हैं, यू। अब क्रिया क्या है, क्या करते हो, खेलते हो, तो प्ले मीन्स खेलना। अब यहाँ देखिए ये कर्ता क्या है, बहुवचन है, यहाँ नियम में भी लिखा है बहुवचन करता रहेगा, तो उसके वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें वर्ब, इस वर्ब में एस या एस नहीं लगा है। अब क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया। इसका मतलब वो हो गया कि मतलब प्यूलर सब्जेक्ट, प्यूलर वर्ब। फिर आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह क्रिकेट खेलता है, अब तुम के जगह हम क्या किए, वह लिखा है, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, तो ही मीन्स समझिए वह हो गया। अब क्रिया क्या है, खेलता है, प्ले लिखे हैं, अब ये एक वचन में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या जोड़े हैं, यस जोड़े हैं। अब क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो यहाँ कर्ता क्या बना, वह, इसकी अंग्रेजी हम लिखे हैं ही। अब क्या करता है, जाता है, देखिए इसमें ता है दिया है, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी गो। अब ये एक वचन में है और इस क्रिया में ओ दिया है, तो इसलिए हम इसमें क्या जोड़े हैं, ईएस जोड़ दिए। अब कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, किससे जाता है, साइकिल से, तो इस कंडीशन में प्रीपोजिशन क्या लगा है, बाई, अर्थात ही गोज टू स्कूल बाई साइकिल। हम लोग दूसरों पर हंसते हैं, तो हम लोगों की अंग्रेजी क्या होगी, वी होगी। ये नहीं कि बी मीन्स हम और पीपल मीन्स लोग, नहीं, इसकी पूरी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और लाफ मीन्स हंसना होता है, अब ये बहुवचन में है, तो इसके वर्ब में यस अथवा यस जुटेगा नहीं, तो लाफ एट मीन्स होता है हंसना, लाफ एट माने मजाक उड़ाना भी होता है। किस पर, दूसरों पर, देखिए लिखे हैं अदर्स, वे लोग चावल पसंद करते हैं, अब कर्ता क्या हो गया, वे लोग, कौन लोग पसंद करते हैं, उत्तर मिल रहा है वे लोग, तो दे मीन्स वे लोग, लाइक मीन्स पसंद करना, अब ये बहुवचन में है, तो इसलिए इसके वर्ब में यस या यस नहीं लगा है। क्या पसंद करते हैं, चावल, तो राइस देखिए लिखे हैं। फिर श्याम लोक गीत गाता है, कर्ता कौन गाता है, श्याम गाता है, इसकी अंग्रेजी लिख दिए हैं। क्रिया क्या है, गाता है, तो श्याम एक वचन में है, इसके वर्ब में क्या जुटा है, यस जुटा है। क्या गाता है, लोक गीत, फॉक सॉन्ग मीन्स होता है लोक गीत। फिर यहाँ अगला एग्जाम्पल दिए हैं, राम वहाँ जाता है और क्रिकेट खेलता है, अब देखिए कौन जाता है, राम,
करता हो गया। गो मीन्स जाता है, देयर मीन्स वहाँ जाता है, एंड का मतलब और, क्या करता है, खेलता है। देखिए आप प्लेज लिखे हैं और इसी सब्जेक्ट के बारे में भी इसमें चर्चा हो रही है, तो पुनः राम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। और क्या खेल रहा है, जाकर के क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ लिखे हैं। इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस में देखिए हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे आप, ये देखिए रूल लिखे हैं। एक वचन कर्ता, आपको पॉजिटिव में भी बताए हैं कि एक वचन कर्ता कौन कौन है, यहाँ ब्रैकेट्स में भी लिख दिया गया ही सी इट ऑल नेम। ऑल नेम का मतलब जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सब ये जो है एक वचन करता है। तो जब एक वचन करता रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट। फिर दूसरा नियम लिखे हैं बहुवचन करता, यहाँ देखिए आई लिखे हैं, वी लिखे हैं, यू लिखे हैं, दे लिखे हैं, बॉयज लिखे हैं, प्लेयर्स लिखे हैं, गर्ल्स लिखे हैं, ये सब बहुवचन करता है, प्यूलर सब्जेक्ट हैं, के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं। स्ट्रक्चर में आपका देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है डू नॉट और डज नॉट है, फिर आपका वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका अदर वर्ड है। हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं। अब ये देखिए प्रजेंट इंडिफिनिट है, और प्रजेंट इंडिफिनिट का क्या है, निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अब इसमें देखिए कर्ता क्या है, हम लोग, इसकी अंग्रेजी लिखे हैं वी। अब वी को देखिए ये एक वचन में है कि बहुवचन में, देखिए ये बहुवचन में है, प्यूलर सब्जेक्ट है, तो क्या बोल रहा है ये, डू नॉट, यहाँ देखिए डू नॉट लिखा है। अब क्रिया क्या है, टहलते हैं, तो देखिए वॉक मीन्स क्या हो गया, टहलना। अब कब टहलते हैं, शाम में टहलते हैं, तो यहाँ देखिए लिखे हैं इन द इवनिंग। प्रीपोजिशन में हम आपको बताए हैं इसका यूज। फिर लड़के कक्षा में शोर नहीं करते हैं। अब लड़के देखिए बहुवचन है, सब्जेक्ट, यहाँ लिखे हैं द बॉयज। अब ये बहुवचन में है तो इसलिए यहाँ लिखा है डू नॉट। क्या नहीं करते हैं, शोर, मेक अ नॉइज। कहाँ नहीं करते हैं, इन द क्लास। इस प्रकार ये बन गया इसका ट्रांसलेशन। फिर आइए, वह मेरे पास नहीं आता है, यहाँ बनाया गया है। अब इसमें कर्ता क्या है, वह, इसकी अंग्रेजी क्या लिखे, ही। अब ही आपका क्या है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट। अब क्रिया इसमें क्या है, आना, तो देखिए यहाँ लिखे हैं कम। मेरे पास का मतलब टू मी, यहाँ पर मेरे जो है कर्म के रूप में है और उसके बगल में पास दिया है, तो नियर का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला सेंटेंस दिए हैं, वह गाना नहीं गाती है, तो देखिए ये भी निगेटिव सेंटेंस है। किसका निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कैसे ही ये भी तो जानिए। इसमें देखिए क्रिया है गाती है, यहाँ लिखा है ती है, क्रिया के अंत में ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब अगला क्वेश्चन कोई करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, सी। अब सी आपका एक वचन में है, तो इसलिए क्या लिखा है, डज नॉट। अब क्रिया क्या है, गाती है, सिंग लिख दिए, और मैं पहले ही बताया हूँ कि जब डू नॉट या डज नॉट लगते हैं तो वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। अब क्या नहीं गाती है, गाना, यहाँ देखिए ये सांग आपका कर्म हो गया। फिर यहाँ एक नोट लिखे हैं, यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद नेबर का प्रयोग किया जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो
मतलब एक वचन में करता होगा तो उसके क्रिया में क्या लगाना है आपको, यस या यस। यदि सब्जेक्ट प्यूलर हो यानी कर्ता बहुवचन में हो तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर के साथ जो है सहायक क्रिया डूडज नहीं लगता है। एक वचन करता रहेगा उसके क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसके क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह आपको कभी गाली नहीं देता है। अब इसमें देखिए कभी नहीं दे दिया, और यहाँ देखिए क्रिया में क्या दे दिया है, ता है। तो यहाँ कर्ता क्या बना, वह। इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखे हैं, ही। अब हम बोले हैं कर्ता के बाद नेवर, अब यहाँ देखिए नेवर लगा है, नेवर मीन्स कभी नहीं। अब क्रिया क्या है इसमें, गाली देना, तो एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना। अब यह एक वचन में है तो इसके वर्ब में क्या जुटा है, यस। अब किसको कभी नहीं देता है, आपको, तो यू मीन्स आपको। यहाँ पर आपको जो है, यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, कर्म के रूप में है। तुम उसे कभी नहीं बुलाते हो, तो इसमें भी देखिए कभी नहीं दिया है, तो कर्ता इसमें है तुम। इसकी अंग्रेजी लिखे हैं यू, अब कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। अब फिर कॉल मीन्स होता है बुलाना, अब ये बहुवचन में है तो इसके वर्ब में यस अथवा यस नहीं लगेगा। यहाँ देखिए लिखे हैं प्यूलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस या यस नहीं लगता है, इसमें यस या यस नहीं जुटेगा। फिर यहाँ लिखे हैं वह झूठ नहीं बोलती है। अब यहाँ देखिए लिखे हैं सी नेवर टेल्स अ लाई, अब सी एक वचन में है तो इसलिए इसमें क्या जुट गया है, यस। इसी को दूसरे भी ढंग से हम बना सकते हैं, सी नेवर लाइज। अब यहाँ पर ये लाइज जो है आपका वर्ब हो गया, तो जब हम लाइज कर दिए हैं तो टेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसी प्रकार आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ये इस पर ध्यान दीजिए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हुआ तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार डू डज का प्रयोग पहले किया जाता है। यानी जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, बल्कि टेंस को पहचानते हैं और उस टेंस की सहायक क्रिया को हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का मतलब अन्य सब। क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, अब देखिए इसमें भी ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या से शुरू हो गया, और दूसरी चीज़ इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो है दिक्कत आपको ये आ रही होगी कि हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो यहाँ देखिए कर्ता दिया हुआ है, हम लोग। अब इसको देखिए कि ये सिंगुलर है कि प्यूलर है, एक वचन है कि बहुवचन है, ये बहुवचन है तो इसकी अंग्रेजी वी होगी, और वी बहुवचन है तो वी के अनुसार यहाँ पर क्या की अंग्रेजी बनी है, डू। और इसमें वर्ब क्या है, मेन वर्ब पढ़ते हैं तो रीड लिखे हैं, कब पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, देखिए डेली लिखे हैं, तो कर्ता अनुसार हम क्या किए हैं, डू डच को पहले लिख दिए हैं। फिर यहाँ लिखे हैं क्या तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो, अब तुम क्या है, कर्ता है, बहुवचन में है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, डू, और यहाँ हो गया यू। अब क्रिया क्या है इसमें, सोते हो, इसलिए क्या लिखे हैं, स्लीप। अब किस तरह सोते हो, शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए हम लिखे हैं यहाँ क्या ची, पीसफुल्ली। फिर आगे देखिए क्या हुआ, दिल्ली से वापस नहीं आता है। अब देखिए इसमें क्या भी दिया है और नहीं भी दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन गया इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो यहाँ कर्ता देखिए एक वचन में है तो इसलिए हम सहायक क्रिया डच को बाहर किए हैं, और उसके बाद कर्ता लिखे हैं
जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है तो ऐसी स्थिति में निगेटिव वर्ड जो है तीसरे स्थान पर होता है। देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर है। अब इसमें क्रिया है वापस आना, तो यहाँ देखिए रिटर्न लिख दिए हैं या कम बैक। अब कहाँ से वापस आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, तो इसलिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। फ्रॉम इसमें प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार क्या राम का भाई अच्छा नाश्ता है, अब इसमें कर्ता क्या है, किसका भाई, राम का भाई, तो राम का भाई जो है आपका एक वचन हुआ। और इन दोनों नाउन के बीच में यदि जान लीजिए हिंदी में काकी के आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए एक वचन में है तो इसलिए यहाँ क्या लगा है, डच। और यहाँ देखिए राम भी नाउन है, भाई भी नाउन है, दोनों के बीच में का आ गया, तो इसलिए देखिए राम लिखे हैं और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं, तो ये बन गया राम्स ब्रदर। अब क्या करता है, नाचता है, देखिए डांस लिखे हैं। कैसा नाचता है, अच्छा, इसलिए लिख दिए हैं क्या चीज, वेल। फिर इंट्रोगेटिव में ही दूसरा नियम एक है कि यदि प्रश्नवाचक वाक में प्रश्नवाचक शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, का मतलब क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या इत्यादि बीच में लगा हो, तो ट्रांसलेशन या अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या लगता है, डूडच, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है अदर वर्ड। अब यहाँ एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, आप वहाँ क्यों जाते हो, ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द कौन है, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है। अब इसकी अंग्रेजी होती है वाई, लिखा गया है। अब यहाँ देखिए कर्ता, कर्ता आपका आप है, ये बहुवचन में है, तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगता है, डू। अब क्रिया क्या है इसमें, जाते हो, तो यहाँ देखिए गो लिखा गया है। और कहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, इसलिए यहाँ लिखे हैं क्या चीज़, देयर। फिर वह कहाँ रहता है, अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ है, अब इसकी अंग्रेजी हम लिख दिए हाउ। अब यह एक वचन में है तो देखिए यहाँ डज लिखा है, और फिर कर्ता यहाँ ही हो गया, और लिव मीन्स होता है रहना, तो हाउ डज ही लिव, इसका अनुवाद हो जाएगा, तुम्हारी माता जी तुम्हें कब पीटती है। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब है, तो इसकी अंग्रेजी देखिए यहाँ पर लिखा गया वेन। अब इसमें कर्ता क्या है, तुम्हारी माता जी। अब तुम्हारी माता जी जो है एक वचन में है, ये एक वचन में है, इसलिए यहाँ क्या लगा है, डच। अब क्या करती हैं, पीटती हैं, क्रिया हो गया, इसलिए यहाँ हम लिखे हैं बीट। किसको पीटती हैं, तुम्हें पीटती हैं, तो तुम्हें क्या हो गया, कर्म, इसलिए यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो गई है यू। फिर यहाँ लिखे हैं उसे कौन जानता है, देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द कौन आता है उसके साथ नहीं अगर न दिया हो, तो जब उसका अनुवाद करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये रूल है कि हु के साथ सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक शब्द है, अब इसकी अंग्रेजी हम हु लिख दिए हैं। अब क्रिया इसमें क्या है, जानता है, यहाँ देखिए नो लिखे हैं और इसमें क्या लगा है, यस। अब उसे यहाँ पर ये कर्म है तो हिम लिखे हैं, अर्थात ये हो गया हु नोज हिम। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कर्ता कौन बना, अब देखिए ये दो काम करता है, प्रश्नवाचक शब्द का भी और कर्ता का, दोनों काम यही करता है, इसी यही रीजन है कि इसके साथ डूडज नहीं आते हैं। फिर यहाँ देखिए उसे कौन नहीं जानता है, अब देखिए कौन के साथ अगर नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में हम डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं हु, अब यहाँ लिखा गया है डज नॉट,
और फिर इसमें क्रिया क्या है, मेन वर्ब नो है और ही माने उसे होता है। यहाँ देखिए लिखा गया है, अब जब कौन के बाद नहीं आया तब डज नॉट लगा है। ऊपर में देखिए केवल कौन है इसलिए डज नहीं आया है। यहाँ नोट लिख दिए हैं, यदि वाक्य में कौन शब्द दिया हो तो हु लगता है, लेकिन हु के साथ यस या यस लगता है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव हो तो डज नॉट का प्रयोग होता है। आइए यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर भी दे दिए हैं आपको, हु प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखे हैं सरदार पटेल का नाम कौन नहीं जानता। अब देखिए यहाँ कौन भी है नहीं भी है, तो यहाँ इसकी अंग्रेजी लिखे और यहाँ लगाए देखिए डज नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें, जानता है। यहाँ देखिए लिखे हैं नो, क्या नहीं जानता है, द नेम ऑफ सरदार पटेल। फिर तुम्हें कौन नहीं पसंद करता है, देखिए कौन के साथ नहीं दे दिया, तो इसकी अंग्रेजी हु लिखे। फिर हम क्या लगाए डज नॉट, वर्ब क्या हो गया लाइक, तुम्हें क्या हो गया कर्म, तो इसलिए बन गया हु डज नॉट लाइक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने विचार को कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।